नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो पे। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको आगरा शहर की प्रसिद्ध रामरात दिखाई थी और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जनकपुरी महोत्सव जो कि इस बार दयालबाग में सजाया गया है और काफ़ी भव्य सजावट हो रखी है। जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, यह जो रास्ता है वो दयालबाग के लिए जाता है और मेरे सामने की तरफ है दोस्तों भगवान टाकिस। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे और आपको जनकपुरी महोत्सव दिखाएंगे। इस बार काफ़ी भव्य महल वहाँ पर सजाया गया है। दोस्तों बताना चाहूँगा तकरीबन दो साल से आगरा शहर में जनकपुरी और रामरात महोत्सव नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार यहाँ पर जनकपुरी और रामरात महोत्सव दोनों मनाए गए हैं। अगर आपने रामरात का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। तो अभी मैं आपको जनकपुरी महोत्सव दिखाता हूँ, यहाँ पर कैसी सजावट की गई है और इस बार कैसा भव्य महल सजाया गया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपसे मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को अंदर देखना। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी भव्य गेट यहाँ पर बनाया गया है और अभी हम अंदर चलते हैं और आपको सारी जनकपुरी महोत्सव घुमाते हैं। दोस्तों ये है भव्य गेट और इसी के अंदर सजी हुई है जनकपुरी, तो चलते हैं अंदर आपको। दोस्तों अभी मैं भवा टाइस पर खड़ा हुआ हूँ और दोस्तों ये है भव्य गेट जो कि जनकपुरी के लिए रास्ता जाती है। दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ से जो महल सजा हुआ है वो तकरीबन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ से हम मिर्चा लेंगे वहाँ जाने के लिए। तो चलते हैं। से आपको तकरीबन 3 किलोमीटर अंदर आना होता है, फिर उसके बाद ऐसा गेट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से दोस्तों जो जनकपुरी जनक महल है वो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा। तो चलिए चलते हैं और आपको जनकपुरी महोत्सव दिखाते हैं कैसा इस बार सजावट की गई है 2 साल बाद। और दोस्तों अगर आप भगवान टाँगी से यहाँ तक आते हो तो आपको तकरीबन 10 रुपये का चार्ज लगता है टेम्पो का। बाकी मैं आपको यहाँ की जो सजावट हो रखी है जनकपुरी में वो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ दयालबाग में और यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे रोड पर काफ़ी सुंदर सजावट की रखी है और काफ़ी सुंदर सुंदर लाइटें ऊपर की तरफ लगा रखी है पूरे रोड पर, जैसे कि मेरे सामने की तरफ आप देख रहे होंगे। और सारे लोग हैं जो कि जनकपुरी देखने के लिए अंदर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अंदर की तरफ भी जनक महल सजा हुआ है। और यहाँ से जब हम एंटर करते हैं गेट से तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर झांकी हमें देखने को मिलती है, जैसे आप सामने देख रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी सुंदर झांकी लगी हुई है, जैसे आप देख रहे हैं सामने शिव जी बैठे हुए हैं एक मुंडी के ऊपर, यानी कि एक सर है जिसका कंकाल है। और काफ़ी सुंदर झांकी यहाँ पर लगी हुई है, जैसे हनुमान जी आप देख रहे हैं, पंचमुखी हनुमान जी हैं और शिव जी की मूर्ति काफ़ी सुंदर। तो ये रोड है दयालबाग है ये। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे कैसी सजावट अभी हमें देखने को मिलने वाली है। और काफ़ी तकरीबन 2 साल बाद आगरा शहर में फिर से जनकपुरी और रामरात महोत्सव मनाया जा रहा है, तो चलते हैं और आपको जनकपुरी महोत्सव दिखाते हैं और साथ ही साथ आपको जनक महल दिखाते हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे खाने पीने की व्यवस्था के लिए लोगों के लिए काफ़ी सारे चाट के स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ तो बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं, अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों को आपके एंजॉय करा सकते हैं। और खाने पीने के काफ़ी सारे स्टॉल और खरीदने के लिए सामान भी वगैरह आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो कल दोस्तों काफ़ी तेज बारिश हुई थी तो शायद लगता है कि जो देवी भवन भी बनाया गया है, यहाँ पर माता रानी के लिए 56 भोग लगाए गए हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको यहाँ के दर्शन करा देता हूँ, तो काफ़ी सुंदर है यहाँ की सजावट। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ मेले में बढ़ती जा रही है, जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं। और काफ़ी अभी दूर है यहाँ से जनक महल और देखेंगे कैसा भव्य महल इस बार सजाया गया है। और दोस्तों अभी मैं दयालबाग के और अंदर की तरफ आ चुका हूँ, मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर शिव जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति लगाई गई है, तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं शिव जी के। और यहाँ से हम थोड़ा और अंदर जाएंगे, यहाँ पर जनक महल सजा हुआ है।
जनकपुरी महोत्सव है वो आगरा शहर में तकरीबन 2 साल बाद मनाया गया है और काफ़ी भव्य सजावट इस बार हमें देखने को मिली। और आज की वीडियो में मैंने आपको दर्शन कराए जनक महल के और साथ ही साथ मैंने आपको श्री राम जी के भी दर्शन करा दिए इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों यह जो मेला है तकरीबन 3 दिन तक रहता है आगरा शहर में। और दोस्तों कल है इसका लास्ट सीजन है, कल है 23 सितंबर और ये लास्ट सीजन है जनकपुरी का। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आ सकते हो, दयालबाग में जनकपुरी महोत्सव मनाया जा रहा है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना और कमेंट में आप कुछ भी मुझसे कहना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय जय भारत।